नगर निगम प्रशासन ने सैनिटाइजेशन महाअभियान के तहत रविवार को नवीन महवा मंडी सहित अन्य क्षेत्रों में सैनिटाइज कराया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक है, यह लोगों को बहुत तेजी से संक्रमित कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए महानगर को सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने कहा कि शासन के द्वारा लगाए गए 59 घंटे के लॉकडाउन को देखते हुए शुक्रवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक सैनिटाइजेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे महानगर को सैनिटाइज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सैनिटाइजेशन महाअभियान में 50 से ऊपर गाड़ियों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजेशन महाअभियान रात्रि कर्फ्यू में भी चल रहा है। इस अवसर पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, कमजोर आदमी है। जैसा कि आपके संज्ञान में है, जो कोरोना की दूसरी लहर आई हुई है वो बहुत ही तेजी से लोगों को संक्रमित कर रही है, और कोरोना संक्रमण की इस चेन को ब्रेक करने के उद्देश्य से पिछले कई दिनों से नगर निगम प्रशासन के द्वारा जो है पूरे शहरी क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है। और आज भी जो फ्राइडे को रात्रि 8 बजे से लेकर मंडे 8 बजे तक एक हम लोग के द्वारा शासन के दिशा निर्देशों पर विशेष महाअभियान सैनिटाइजेशन का चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम लोगों ने 4 पहिया 50 से ऊपर की संख्या में गाड़ियां लगा रखी हैं, जिनमें से कि हमारे जलकर विभाग के करीब 15 टैंकर और एक जेटिंग मशीन उनकी लगी हुई है। अन्य टाटा मैजिक ट्रैक्टर माउंटेड जो हमारे पंप हैं वो लगे हुए हैं, और इनकी सहायता से जितने भी हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जैसे इस वक्त हम लोग मंडी समिति में खड़े हुए हैं, मंडी समिति, मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, महिला चिकित्सालय, इसके साथ ही जितने भी हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट जहां पर कि ज़्यादा मतलब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, सब जगह हम लोग सैनिटाइज करा रहे हैं। इसके अलावा हमने पूरे अपने जोन में जितने भी जोन है वहाँ पर हमने हर जगह पर 10-10 गाड़ियाँ जो हैं उनको अलग से दे दिया है जोनल अफसर के डिस्पोजल पर, जिससे कि अपने प्रत्येक वार्ड को पूरी तरह से सैनिटाइज करा सकें। इसके साथ ही साथ हम शाम के समय भी जो नाइट में भी सैनिटाइज करा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि कोई भी घर छूटे ना, डोर टू डोर इसीलिए सैनिटाइज की प्रक्रिया कराई जा रही है। और उम्मीद ये है इसके माध्यम से हम अपने जनपद गोरखपुर में जो कोरोना की चेन है, संक्रमण की चेन है, उसको ब्रेक करने में निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे।